दोस्तों मैं सुनील गुप्ता और आपके लिए लेके आया हूँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक। देखिए, आपको पता ही है मैंने एक मुहिम छेड़ रखी है सौर्या क्लासेस चैनल पे, जो कि है 80% जीके के लिए ख़त्म करना सिर्फ ट्रिक से। समझ रहे हो आप मेरी बात? 80% हम लोग जीके को ख़त्म करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से। तो उसी कड़ी में मेरा अगला वीडियो है, ये है तेल निर्यातक देशों के संगठन। आपको पता होगा जो अरब कंट्रीज़ हैं प्लस हमारी रसिया, ये लोग तेल के निर्यातक हैं। ये लोग क्या करते हैं, तेल को दोस्तों देते हैं पूरे दुनिया के अंदर। इन लोगों की जो लैंड है उसके अंदर तेल निकलता है और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बदले में ये लोग क्या ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी तेल निर्यातक देश है ना, इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि उन देशों का ऑर्गेनाइजेशन जो कि पेट्रोल को, जो कि दोस्तों बेसिकली क्रूड ऑयल को क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, अपने इंडिया के अंदर हम भी तो इम्पोर्ट करते हैं ऑयल का। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को अपनी एनर्जी नीड को सेटिस्फाई कराना है, और एनर्जी नीड को सेटिस्फाई कराना, तो अभी हम लोग इतने तो डेवलप हुए नहीं है कि हम अपनी सारी एनर्जी नीड को सेटिस्फाई ग्रीन तरीके से करा लें। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? हम ग्रीन तरीके से सारी एनर्जी को सेटिस्फाई नहीं करा सकते अपनी, इसलिए अपन को तेल होती, अपने को जरूरत होती है तेल की। ठीक है, और ये तेल कहाँ से मंगवाते हैं हम दोस्तों? ओपेक कंट्रीज से। ओपेक कंट्रीज क्या है? ये वो कंट्रीज का समूह है जो दोस्तों ऑयल को एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया के अंदर। बात आती है कि सर ओपेक जो मानी वो देश तेल एक्सपोर्ट करते हैं उनको याद कैसे करें? ओके, तो मैं आपके लिए ट्रिक और लेके आ गया हूँ। अब ये आप याद कर लीजिए, इनकी साली का वैन यूएई क्या है? इनकी साली का वैन यूएई से तेल लाता है। ओके, इनकी साली का वैन यूएई से क्या लाता है? तेल लाता है। तो इनकी साली में आप ध्यान दीजिएगा इनकी वर्ड पे, इसमें जो आई है आगे इसका मीनिंग है ईरान, एन फॉर है नाइजीरिया, के फॉर है कतर, आई फॉर है इराक, इनकी कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं साली, एस ए फॉर है साउथ अरेबिया, ए फॉर अल्जीरिया है, एल फॉर लीबिया है, और ई फॉर इक्वाडोर है। क्या है? इक्वाडोर। आई फॉर क्या है? इक्वाडोर है, एल फॉर लीबिया है, के फॉर कुवैत है, ए फॉर अंगोला है, आपका जो वैन है इसका मतलब वेनेजुला, और यू ए ई से आप जानते ही हैं संयुक्त अरब अमीरात। ओके, अब यहाँ पे मैं एक बात को और अपडेट कर दूँ, ओपेक को दोस्तों कभी कभी जब इस ग्रुप में वो जुड़ जाता है रशिया, तो हम इसे ओपेक प्लस भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओपेक प्लस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बताइए ओपेक प्लस के कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पे रशिया भी है, लेकिन अगर ओपेक प्लस हटा दिया जाए, सिंपल आपसे एग्जाम पूछे कि ओपेक के कौन कौन से मेंबर्स हैं, यानी वो कंट्री तेल का निर्यात करती हैं, सॉरी तेल को एक्सपोर्ट करती हैं मतलब, तो उन कंट्री का दोस्तों क्या क्या नाम है, तो आप याद रखेंगे ईरान, नाइजीरिया, कतर, इराक, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, इक्वाडोर, कुवैत, अंगोला, वेनेजुएला और यूएई। याद कैसे करेंगे? इनकी शाली का वैन यूएई में है। फिर से समझा रहा हूँ, इनकी पर ध्यान दो, आई फॉर ईरान है, एन फॉर नाइजीरिया है, के फॉर कतर है, आई फॉर इराक है। ओके, अब रह गया ऐसे, यहाँ पे जो ऐसे का मीनिंग है वह दोस्तों आपका सऊदी अरेबिया, ए का मीनिंग है अल्जीरिया, अब आगे आपका एल फॉर लीबिया और आई फॉर दोस्तों इक्वाडोर, ठीक है, के फॉर कुवैत और ए फॉर आपका अंगोला, वैन का मतलब दोस्तों वेनेजुएला और यूएई का मतलब है यूएई। ठीक है, इनकी संयुक्त अरब अमीरात। आई होप आपको गाइस ये ट्रिक पसंद आई होगी। थैंक यू।